अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल होम ब्यूटी पार्लर और बेल के आइकन को प्रेस कर दें हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हमेशा के लिए चूहे भगाने का अचूक तरीका। चूहे एक बहुत आम सी समस्या होती है जो घरों को बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। चूहे अक्सर नालियों से निकल के आते हैं या फिर ऐसी गंदी जगह से आते हैं जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोग फैलाने की गुंजाइश रखते हैं, और यही चूहे जब आ जाते हैं हमारे घर में तो ये कई बार सरदर्द बन जाते हैं। और इन चूहों को जब घर में हम बिस्तरों पर चलता हुआ देखते हैं या किसी ऐसी जगह पर देखते हैं जो हमारे बहुत काम, तो हमें वाकई में उस जगह जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। और कई बार ये चूहे हमें इतने ज़्यादा हैरान कर देते हैं कि ये हमारे किचन की बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं और हमारा सर दर्द बन जाते हैं। इन चूहों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इनसे जुड़ी हुई सारी समस्याओं को और बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं, आज की वीडियो में हम चलिए जानते हैं। चूहों को दूर भगाने के लिए सबसे असरदार तरीका है कि आप पुदीने के तेल का इस्तेमाल करें। पुदीने का तेल आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा और नहीं तो मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। पुदीने के तेल में आपको डालनी है रुई। आप एक रुई को डिप कर लीजिए पुदीने के तेल में और इस रुई को वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं। अगर आपकी किचन है, आपकी वार्डरोब है या फिर आपके मैट्रेसेस हैं, बेड है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं उस जगह इस रुई को रख दीजिए। आप चाहें तो हर जगह एक एक रुई को पुदीने के तेल में भिगो के रख सकते हैं और ऐसा करने से आपके घर में चूहे नहीं आएंगे, चूहे दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके को अपनाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा तरीका है बालों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, बाल का झड़ना बहुत आम सी समस्या है, पर ये झड़े हुए बाल भी आपके काम आ सकते हैं चूहे भगाने में। अगर आपके घर में या घर के बाहर कोई सुरंग है जिसमें चूहे रहते हैं, चूहों ने अगर बिल बना लिया है तो आप उन बिलों को भर दीजिए बाल से, क्योंकि बाल भरने से चूहे उस बिल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और चूहों की फितरत होती है कि वो किसी भी चीज़ को कुतर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, पर बालों के जाल में वो खुद ऐसे फंस जाते हैं कि वो उसके टुकड़े नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अगर आप चूहे के बिल में बाल रख देते हैं तो वो चूहे हमेशा के लिए भाग जाएंगे। चूहे को भगाने के लिए आप अपने टूटे हुए बालों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं पुदीने की पत्ती का। जी हाँ, चूहे के भगाने का इलाज है आपकी ही किचन में। आप पुदीने की पत्ती को कूट लीजिए और थोड़ा सा कूटने के बाद आप इसे घर के दरवाजे के पास रख दें। ऐसा आप कुछ दिन तक ज़रूर करें। आप करते वक्त देखेंगे कि चूहे नहीं आएंगे। जब आप पुदीने की पत्ती को चौखट पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि चूहे नहीं आएंगे, क्योंकि चूहों को पुदीने की पत्ती नहीं पसंद आती है, उसकी स्मेल पसंद नहीं आती है, जिस वजह से चूहे आपके घर में आएंगे ही नहीं। इसलिए हमने पहले भी बात करी थी कि आप पुदीने के तेल का इस्तेमाल करें। पुदीने से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो चूहे आपके घर में नहीं आएंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप सबसे आम और आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है पिंजरे का इस्तेमाल। आप पिंजरे का इस्तेमाल करने के लिए पिंजरे में कोई भी ऐसी चीज़ लगाइए या फिर आप रोटी का टुकड़ा लगा दीजिए घी लगाकर, उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए रात भर के लिए या थोड़े वक्त के लिए। आप देखेंगे कि खाने की महक से चूहा पिंजरे में आ जाएगा और जैसे ही वो खाना खाने की इच्छा जताएगा, वो खाने की कोशिश करेगा, उसी वक्त पिंजरा बंद हो जाएगा और ये चूहा पिंजरे की गिरफ्त में आ जाएगा। तो ये था आसान तरीका जिसकी मदद से आप चूहे को बंद कर सकते हैं और चूहे से छुटकारा पा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी तरीका अपनाइए और अपने घर में मौजूद चूहे से छुटकारा पाइए, क्योंकि अगर एक बार चूहे ने घर में बच्चे देना शुरू कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे उन चूहों को भगाते भगाते। तो जल्दी से इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाइए और अपने घर में मौजूद चूहों से छुटकारा पाइए। हमारा है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्क्रीन पर आ रहे सजेस्टेड वीडियोज़ को अभी क्लिक करें। हमारे वीडियोज़ को इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय एंड टेक केयर।